कृष्ण बल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि यूपी में औद्योगिक मित्र भर्ती होंगे और जिनको प्रतिमाह 70,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इनकी जो योग्यता है वो एमए होगी। एमए अगर व्यवसाय से हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, ये नॉर्मल जानकारी भी होनी चाहिए। तो एक युवाओं के लिए, जो पराय स्नातक युवा हैं, उनके लिए बड़ी एक भर्ती आई है। कुल 105 औद्योगिक मित्र भर्ती किए जाएंगे जिनको प्रतिमाह 70,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मानदेय की राशि बहुत बड़ी है, 70,000 रुपये मानदेय। इनका काम क्या होगा कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको उनका निराकरण कराना, और ये औद्योगिक मित्र के तौर पर भर्ती होंगे। जो व्यवसायी हैं, जो उद्योग चला रहे हैं, उनको किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए उनके माध्यम, उनके और सरकार के बीच में ये माध्यम का काम करेंगे। और मानदेय इनका 70,000 रुपये होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनमें उन युवाओं को मौका मिलेगा जिन्होंने व्यवसाय से एमए कर रखा है, क्योंकि व्यवसाय विषय की बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है। और एक अच्छी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने सृजित की है। कुल 105 वैकेंसी हैं, 105 पद हैं जिन पर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक मित्र भर्ती किए जाएंगे, और बहुत जल्दी ही इनका औद्योगिक नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि जो भी औपचारिकताएँ थीं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो गया है, तो ये जो हम परा स्नातक युवा हैं वो इसके लिए अपनी तैयारी कर लें। रिटर्न परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद इनको नियुक्ति दे दी जाएगी, और जिसमें इंटरव्यू में भी अंग्रेजी, ग्रामर, सामान्य ज्ञान, आपका व्यवसाय की योग्यता, उसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में इनको काम करना है, इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो जो भी साथी परा स्नातक हैं व्यवसाय विषय से, वो अपनी तैयारी करें, उनके लिए बहुत एक बड़ी भर्ती आई है। इसका नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा मैं आपके बीच लेकर आऊँगा। धन्यवाद।